दीवाना है, क्या रीजन है इसके पीछे? एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे नहीं लगता है कि जहां तक मेरी नॉलेज में है, विदेशों में जो बसे हुए परिवार हैं उन परिवारों में माँ बाप को, माँ बाप में और बच्चों में एक बड़ा आपसी मनमुटाव और बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वहाँ संस्कार हमेशा माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, हिंदुस्तान में आज भी रीति रिवाज हैं, आज भी संस्कृति है और आज भी बड़ों बुजुर्गों का आदर करते हैं। तो बच्चे कहते हैं भाई जब देश इतना ही अच्छा था तो काहे भाग के आ गए यहाँ? तो वो कहते नहीं, उस वक्त बहुत गरीबी थी, मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, तो बोले अब गरीबी भी। तो ये जो फर्क है ना, ये बड़ा वैसा है जो लोग अलग अलग राहों पे चल रहते हैं। और बिल्कुल आप ये मान के चले, मैं 3.5-4 महीने एक घर में रहा हूं अमेरिका में, मुझे लगा वो तो दुश्मनों से भी बदतर है। तो उस पर एक ये फिल्म थी। दूसरी, वहां के जो सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते हैं जो बच्चे, ना तो वो उस शहर के, उस मुल्क के नागरिक जैसे हो पाते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन होते, ना इस मुल्क के जहां वो पैदा हुए। तो उनके आपस की एक जो कड़वाहट है, जो कन्फ्लिक्ट है, उस पर है एक। और फिर एक लव स्टोरी है, जो लव स्टोरी अलग अलग रिलीजन में है। जैसे मुसलमान परिवार में लड़के को पिताजी कहते हैं देखो बेटा घूम घाम जहां भी लेना, लेकिन बेटी जब लाना, जब वो इस्लाम से ही आएगी, मुसलमान ही होगी। तो वो एक दिन ले आता, कहता अब्बू ये है रजिया। अब्बू भी बड़े खुश होते, बड़े बड़े रजिया बताओ क्या करते हैं आपके अब्बू? बोले हमारे अब्बू तो शामियाना लगाते हैं। पता चलता रे ये तो शिया है। झगड़ा होता है कि शिया सुन्नी एक हो ही नहीं सकते, इसी से सरदारों में एक निहंग है, इसी तरह हिंदुओं में। तो एक ये कन्फ्लिक्ट है जो हमारे इस देश में तो है ही, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाहर भी है। और इसके बाहर इतना स्ट्रांग है कि उसको लेके विवाद होता है। सर ये कहना चाहूंगा कि मतलब डायरेक्टर तो आप हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया एक्टर के तौर पे, तो आपको लगता है कि जब कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है तो बेहतर तरीके से गाइड और मेंटर कर सकता है अपने पूरी टीम को, खासकर जब एक्टर्स की बात करें? देखिए मेरा मकसद, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत दिनों दूसरों के लिखे डायलॉग, दूसरों के बताए डायरेक्शन पे और दूसरों के बताए कपड़ों पे जी लिया है। मेरा मकसद ये था कि अगर कहीं कोई कल्मिनेट करूंगा तो एज ए डायरेक्टर करूंगा। मैंने इसके पहले एक प्रथा फिल्म बनाई, उसके बाद एक लखन बनाई, एक अमेरिका में फिल्म बनाई। आई वॉन्टेड टू रीच आउट एज एन आर्टिस्ट। हाँ ये बात जो आपकी है इससे मैं सहमत हूं कि जब एक एक्टर डायरेक्शन के लिए जाता है कैमरे के पीछे, तो उसका जो नजरिया ऐसा होता है, मेरे डायलॉग, मेरा रूम, मेरा मेकअप रूम, मेरे कपड़े, वो फिर भ्रत हो जाता है। वो पूरे के पूरे बड़े कैनवस में देखता है, उस कैनवस में फिर वो एक्टर को उस तरह से समझा भी देता है। तो मुझे लगता है आपका दूसरा पॉइंट मुझे बिल्कुल करेक्ट लगा कि मैं एज एन एक्टर जब डायरेक्टर बना तो मुझे बहुत सहूलियत हुई अपने आर्टिस्टों तक रीच आउट करने के लिए, उनको कैरेक्टर्स, उनको डिटेलिंग, उनको सब्जेक्ट का कंटेंट, इसके बारे में बताना। बाकी देखिए परफॉर्मेंस लेवल और वो एक्टर का अपना होता है, वो किस लेवल पे कम्युनिकेट करता है उस लेवल पे किसी न किसी डायरेक्टर को आना ही पड़ता है, क्योंकि एक्टर कैमरे के सामने है, सहज और इजी होना वो एक्टर को है कैमरे के सामने। तो डायरेक्टर को उतना कम्युनिकेट और अपना स्किल उतना बढ़ाना पड़ेगा, वो मैं करता हूं और मैंने किया है। सर हैदर की डेब्यूट फिल्म है, हैदर के अलावा और सड़क के अलावा फिल्म में वेटरन एक्टर है, राज बब्बर जी हैं, जीने तमन जी हैं, आपको फिर आलोक नाथ हैं, तो इन लोगों को कन्विंस करना इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सैलेंडिंग था, या इंस्टेंटली उन्होंने नोट कर दिया कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है? अरे नहीं सर, किसी को कोई मुश्किल नहीं था, पैसे दिए उन्होंने रोल किया, इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं। हाँ इतना जरूर था कि मैंने कोशिश ये की, उनको कहा कि ये फिल्म विदेश में बन रही है तो थोड़ा हमारा बजट भी कम है, हमें थोड़ा सहयोग चाहिए, इसके लिए कन्विंस करना पड़ा। दूसरा, उनकी इमेजेस से हटके रोल थे, जीना तमान का बिल्कुल हटके है, जीना जी मलेशियन वुमन कर रही हैं, वो जो पहले उनकी सेक्स सिंबल और बहुत वाइब्रेंट इमेज थी वो नहीं है, अब एक माँ की है जो सिंगल पेरेंट्स है। राजभाई का थोड़ा विलन का था लेकिन अब वो नहीं है, इसमें एक बहुत पैसे वाले, बहुत गुरूर वाले और बेटी से बहुत मोहब्बत करने वाले बाप बने हैं। सो देर वॉज सम काइंड ऑफ
रेजिस्टेंस जिसके लिए हमने कहा, बाकी देखिए कलाकार ये लोग सीजन लोग हैं, इनको पैसा मिले, अच्छी स्क्रिप्ट मिले और आप इनको अच्छे से अप्रोच करें और अच्छे से रखें, तो इस इंडस्ट्री में इससे सरल और कोई चीज़ है ही नहीं। आप अगर उनको पैसे देने में दिक्कत करेंगे, खराब जगह पे रखेंगे, खराब रोल देंगे, तो दिक्कत पैदा करेंगे। नॉन ऑफ देम, मेरे लिए सब ने कॉपरेट किया एंड ऑल ऑफ देम हैज बीन वेरी नाइस टू मी एंड आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीबॉडी। और सर फिल्म का जो सब्जेक्ट है मतलब माइग्रेंट्स पे, कि बाहर लोग जाते हैं, तो जो ख्वाब लोग समझते हैं कि बाहर जाके कुछ बड़ा करेंगे, कुछ सक्सेसफुल बनेंगे, इंडिया में ही हर चीज है सर। मतलब अगर देखें किसी भी फील्ड में, अमिताभ बच्चन जी भी यहीं पे इतना नाम कमाए, सचिन तेंदुलकर, मोदी जी, तो फिर बाहर जाने का इतना मतलब क्रेज क्यों है लोगों को, आपकी इंडिविजुअल तौर पर क्या समझते हैं? देखिए एक तो पहली बात है, यहाँ पे हिंदुस्तान में आप इतना करते हैं और उसका रिवॉर्ड इतना है। अब इसका लॉजिक मैं बताऊंगा, विदेशों में आप इतना करते हैं और उसका रिवॉर्ड इतना है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से हम 125 करोड़ के ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन का जो मामला है वो इतना बड़ा है कि हर टैलेंटेड आदमी को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, हम या तो आपकी मानसिकता ये हो कि साहब हम मर जाएंगे, कब जाएंगे, इस देश छोड़ को नहीं जाएंगे, हम इस देश को प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपकी कंफर्ट अपनी है, अपने परिवार के लेवल की है कि यार हम देखो एक ही जिंदगी मिली है और हम कंफर्टेबल जीना चाहते हैं, तो वो फिर आप लोग विदेश चुनते हैं, क्योंकि वहाँ कंफर्ट के लेवल पे आदमी की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है। वहाँ पे पानी, वहाँ पे बिजली, जो आपकी जिंदगी की जो मूलभूत सुविधाएं जिनसे आपको जिंदगी जीनी है, वो आपकी सरकार देता। एक अगर मोहल्ले बल्ब भी लगवा देता है तो वो भाषणों में कहता है कि मैंने आपके मोहल्ले को रोशन, ये वो तो तुम्हारी ड्यूटी है भाई, तुम सरकार में हो इसके तुम पैसे ले रहे हो। सो दिक्कत ये है, इसीलिए लोग माइग्रेट होते हैं, इसलिए विदेशों में जाना चाहते हैं। एक वो कहावत ही है कि दूर के ढोल सुहावने, द ग्रास इज ग्रीन अदर साइड, तो एक ये भी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश को छोड़ के गए, उनको रिकॉग्निशन भी मिली, उनको कम्फर्ट जोन भी मिला, ये अलग बात है कि वो देश से कट गए। तो आपको अपना मेंटल इस फिल्म में है वो, कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश को प्यार करते हैं तो इस देश के अच्छे बुरे में भी आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, मेरे बच्चों की कंफर्टेबल होनी चाहिए, सो देन इजी वे आउट कि आप पढ़ लिख के बाहर जाइए, वहीं बस जाइए। एक इस मुल्क को अब खड़ा होना पड़ेगा कि अपने टैलेंटेड लोगों को पहचाने, उनको कद्र करें। ध्यानचंद जैसे हॉकी के प्लेयर को आज तक यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिली है, जर्मन में ध्यानचंद के नाम की सड़कें हैं। इस तरह मैं एक नहीं हजार नाम आपको गिना सकता हूँ। तो जब टैलेंटेड आदमी को यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो आप अकेले मिल्खा सिंह जी को ही याद करोगे, बाकी यहाँ के रेसलर, बाकी यहाँ के रनर, बाकी यहाँ के शूटर सब जाके विदेश में चले जाएंगे, और इसी तरह डायरेक्टर भी होगा। तो मेरा मतलब है कि हमारे जिस जो भी सरकार रहे केंद्र में या स्टेट में, they have got a responsibility to respect the talented person and give them the due. That's what talent ko Rishi Kapoor ne bade dusre tarike se respect diya hai, unko bahut badi aapattiyan hai ki Mahatma Gandhi ke naam pe, to aapka kya take hai Rishi Kapoor ke bayan? Bilkul sahi kaha, kahin koi galat nahi kaha Rishi Kapoor ji ne. Is desh mein aise hazaron log hain jinke naam par सड़कें होनी चाहिए, जिनके नाम पर स्टेडियम होने चाहिए, जिनके नाम पर पार्क होना चाहिए। एक परिवार के नाम पर जो भी गलत है, गांधी परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज राहुल गांधी या सोनिया गांधी, दे आर नेहरू फैमिली, आई हैव नथिंग टू डू विद गांधी। गांधी जी के बिचारे गांधी तुषार गांधी जी हैं, जो उनके सही परिवार के सदस्य हैं। आज पूछ लीजिए तुषार गांधी जी से कितने तकलीफ में है। नेहरू जी कोई गलत ऋषि कपूर ने नहीं कहा, आई एम 100% विथ हिम। और जो आदमी भी इसका विरोध कर रहा है उसको सोचना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम से कुछ नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से कुछ नहीं है, गंगाधर राव तिलक के नाम से कुछ नहीं है, गोखले जी के नाम से कुछ नहीं है, सावरकर के नाम से कुछ नहीं है। क्यों? इन लोगों ने तब आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं जब यहां पर इस देश में आजादी की बात करना भी मुश्किल थी। क्या इन लोगों को इतिहास में नहीं जाना चाहिए? क्या बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? एक राजीव गांधी के नाम पर 56 योजनाएं चला दें, संजय गांधी के नाम पर आप संजय पार्क चला दें, जिनका कोई नहीं है।
अगर कोई रिलेटेड होते तो भी किसी अब शहीद बर्ड सेंचुरी वाले जी के नाम पर आप चल रखते पार्क, तो मैं मान सकता था. I fully support him and I don't think so. He has said something which is not relevant. नहीं, वो लोगों का अलग अपनी सलमान को लेके प्रिजुडिस हैं और उन्होंने ये बात कही है, लेकिन सलमान इस वक्त इस देश का नेशनल आइकॉन है और मुझे नहीं लगता है कि उनको लेकर कहीं कोई गलत चॉइस थी. ही वुड हैव बीन देयर एंड ही कैन बी. उसके अलावा फिर उन्होंने तीन और नाम ले लिए हैं, यार रहमान को भी कर लिया, सचिन तेंदुलकर को भी कर लिया, लेकिन सलमान का होना मुझे नहीं लगता कोई आपत्तिजनक बात है. सर, ये अभी मैं पूछना चाहूंगा कि काफी समय से आप इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं, तो अभी जो इंडस्ट्री का स्टेटस है प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखा जाए, कितना ब्राइट है और फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का? नए लोगों की बात अगर करें तो नए लोग अगर कोई काम करना चाहता है, एक्टर के तौर पर काम करना चाहता है या कोई और प्रोफेशन में करना चाहता है, तो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है? अनबिलीवेबल, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते. हमारी जनरेशन तो शायद देख या ना पाए, लेकिन आप लोग देखेंगे 33% इस वक्त एंटरटेनमेंट की फील्ड में हम लोग एक्सपेंड कर पाए हैं. आने वाले सालों में सारे आपके विदेशों के स्टूडियो यहाँ आ चुके हैं, सब बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेज यहीं पे फिल्में बनाएंगे. यहाँ जितना बड़ा स्कोप है, हाल ही की दो फिल्मों ने, एक आपका जंगल बुक ने और एक कैप्टन अमेरिकन कैप्टन, इन दोनों ही रिकॉर्ड कर दिया हिंदी की अभी तक. एक उस मराठी फिल्म को छोड़ के दूसरी कोई फिल्म हिट नहीं हुई. तो ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ इट हैज नाउ रिकॉग्नाइज्ड कि यहाँ पर लेबर सस्ती है, यहाँ काम करना आसान है, यहाँ काम करने का एक बार माहौल भर बन जाए, जो धीमे धीमे बन रहा है. हमारे मुल्क में बस माहौल की कमी थी और अब धीमे धीमे करप्शन भी खत्म हो रहा है. तो आप यकीन जानिए हर लैंग्वेज के लिए यहाँ पे स्कोप है, और खासकर एंटरटेनमेंट में जो गांव देहात तक अभी सिनेमा नहीं पहुंचा है, जो आज भी बेचारे डुप्लीकेट पायरेटेड कॉपी से पिक्चर देखते हैं, जिस दिन वहां पे उनको थिएटर की फैसिलिटी मिल गई और उनको सही दाम पर पिक्चर देखने को मिल गई, सिनेमा इज गोइंग टू लाइक एनीथिंग एंड एब्सोल्युटली इट विल रिमेन अ वेरी गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट.